एक्चुअली एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टॉर्क से रिलेटेड, ठीक है। पहले लिखने की बात करते हैं, sort of hollow circular section has outer diameter 120 mm and inner diameter 100 mm. Principal shear stress is 95 MPa. ठीक है, लिखा हुआ है। Angle of twist is not to exceed 3.6 degree in a length of 3 meter. The maximum value of torque may exceed the mean by 30% speed of shaft in 2 RPS. Determine the maximum value of power that can be transmitted. ठीक है, चलिए मैं पहले गिवन डेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए चलिए पहले गिवन डेटा लिखते हैं। अब गिवन है डी आउटर डायमीटर है 120 mm, स्मॉल डी आपको 100 mm गिवन है, देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको एन गिवन है तो RPS, ठीक है। टाउ आपको गिवन है 95 मेगा पास्कल और ये क्या है थीटा आपका 3.6 डिग्री। अगर नॉट एक्सीड बोले ग्रेटर देन नॉट एक्सीड लिखना परमिशन सीयर इंटरेस्ट ना एक्सेप्टिंग के सिंबल होता है, ठीक है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ना कोई सिंबल ये सिंबल, ठीक है। और क्या दिया हुआ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें डिग्री में तो क्या होगा 3.6 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे भाई भाई 180। ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0628 रेडियन। जब भी थीटा आप कैलकुलेट करेंगे तो रेडियन में वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। और आपको एल गिवन है 3 मीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए एमएम में 3000 mm हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 30% भी है मैक्सिमम वैल्यू तो हम तीन मैक्स अगर आप स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होंगे तो पता होगा तीन ही पहले हम टी मीन निकाल लें, ठीक है। क्या पावर गिवन है? नहीं, कोई बात नहीं, पहले हम टी निकाल लें उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले आपका डेटा लिख लीजिए, ठीक है, चलो जाए। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो फाइंड बी गिवन डेटा होगा, अब लेक्चर को फाइंड क्या फाइंड करना है हमें। चलिए तो पहले बी फाइंड आउट करने के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा जे इक्वल पाई बाय 32 तो बता सकता हूँ पहले ही सब कुछ पी पावर 4 माइनस स्मॉल आउटर माइनस इनर यहाँ वैल्यू रखते तो हमें जे की वैल्यू पाई बाय 32 आउटर का है आपकी वैल्यू 120 पावर 4 माइनस इनर का है 100 पावर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें जे की वैल्यू मिलेगा 10.54 10 पावर 6 mm पावर 4, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जे हमें फाइंड आउट हो गया, अब हम दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं एक सीआर और एंगुलर मोशन, ठीक है। अब चलते हैं इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए जे फाइंड आउट हो गया, नोट कर लीजिए। जे जैसे कि फाइंड आउट हुआ, चलिए पहला केस वन क्या हो जाएगा टॉर्क बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है टी बाई जी टाउ बाई आर, इसी में जे निकाल दिया गया था पहले ही, ठीक है। हम यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, टी बाई जे की वैल्यू अभी आपने निकाला है 10.54 × 10⁶ इक्वल टाउ, टाउ की वैल्यू आपको पता है 90 मेगा पास्कल है तो 90 और ये 60 आउटर बाई आउटर बाई टू होगा रेडियस, हमेशा जी का रेडियस करते हैं, बिगड़ डाया बाई टू करते हैं आगे आने के लिए, ठीक है। तो
अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पी हमें फाइंड आउट होगा क्या 16.69 इन 10^6 न्यूटन एम एम, ये हमें फाइंड आउट हुआ किस केस के द्वारा, शियर स्ट्रेस के द्वारा। जब हम शियर स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क जो मिल रहा है 16.69 न्यूटन पर मीटर एम एम मिल रहा है। अब हम केस टू अप्लाई करें और देखते हैं कि ये वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। हम पहले ही निकाल चुके हैं 10.54 न्यूटन पर 6 ये फाइंड आउट कर चुके हैं। जी आपका क्या गिवन है, रिज्यूम किया गया इस प्रॉब्लम में। ठीक है, 80 गीगा पास में रिज्यूम किया गया। चलिए 80 × 10^3 ये रिज्यूम है जी 80 गीगा पास में रिज्यूम किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रेडियन में बदल दिया था हमने 0.0628 और टाउ की वैल्यू, ये एल की वैल्यू 3000। यहाँ से हम पी फाइंड आउट करेंगे, टी मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो 70.65 न्यूटन पावर 6 न्यूटन एम एम। ठीक है, हमें दोनों कंडीशन से टाउ फाइंड आउट हो गया। देखिए जल्दी से, अब ये बताइए मैक्सिमम टॉर्क दोनों में क्या था। ठीक, इसमें टॉर्क कौन सा सेट करेंगे, सेफर साइड। ठीक है, तो इसको रिमूव करते फिर बताते हैं। एक आपका 16 किलो बताया था, 17 किलो कौन सा सेट करना चाहिए, डाया में तो मैक्सिमम था, टॉर्क के केस में क्या होगा। चलिए, जब मैक्सिमम सेफ टॉर्क ऑन सर इज कंसीडर कंसीडर रेस्ट ऑफ एबल टू प्लेस। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में टेबल बनवाया था। ठीक है, उसको देखिएगा, एक जब लिखा था आरपीएम टॉर्क और डाया, जब
आरपीएम ज्यादा था उस समय आपका टॉर्क और डायल दोनों कम था, हमें सेम लेके चलना है, ठीक है। चलिए कि मैक्स निकाल लेते हैं, आपको 1.3 ये कौन सा लेंगे, हम वाला 16.669 × 10³, ठीक है। 10⁶ होगा पहले, ये एमएम में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लें तो हमें मिलेगा कितना, 12.838 × 10³, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, न्यूटन मीटर। पावर, ये पावर हम सॉल्व करते हैं, पावर में न्यूटन मीटर मिलता है, पावर इक्वल क्या होगा, 2 / n / 60 × t। वैल्यू पुट करिए तो हमें मिल जाएगा 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 / n, n आपका गिवन था। बताइए प्रॉब्लम में n गिवन था, हाँ 2 था हर्ट्ज, ठीक है, या आरपीएस 2, और आपका टी आपको निकाल चुके हैं 12.838 × 10³ डिवाइड बाय 60। इसको साफ करेंगे तो टी हमें मिलेगा 161.33 × 10³ वाट। सॉल्व करके देख लीजिए, सब किलो वाट बदल देंगे, 161.33 किलो वाट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाव इसलिए इसको रिमूव कर दें, ठीक है। आपके प्रॉब्लम में पूछ रहा था पावर क्या होगा, तो आप पहले टॉर्क निकाले दोनों केसेस पे, ठीक है। तो दोनों केस पे आपने टॉर्क निकाला, फिर आपने सॉल्व किया, तो आप इससे देखिए आप सेफ साइड टॉर्क लेके चलेंगे, सेफ टॉर्क जिसमें मिनिमम वाला लिस्ट जो वैल्यू वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पावर निकालेंगे। पावर हमें फाइंड आउट हुआ 161.33 किलो वाट। द पावर ट्रांसमिटेड बाय दिस शाफ्ट कितना हो जाएगा, द पावर ट्रांसमिटेड बाय दिस शाफ्ट कितना होगा, 161.3 किलो वाट, यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं।